Hey beautiful girls, welcome back to my channel. In this video, I'm sharing top 3 red lipsticks under 250. और लिपस्टिक्स माशाल्लाह बहुत ही शानदार लिपस्टिक्स हैं, आप एंड तक वीडियो को देखना। और ये लिपस्टिक यू कैन वियर इट ऑन एनी काइंड ऑफ इवेंट, फेस्टिवल्स, फंक्शंस एंड इवन डेट्स। रेड लिपस्टिक्स बहुत प्रोमिनेंट कलर है, वाइब्रेंट कलर है, बोल्ड लुक देता है। ये पहली जो लिपस्टिक है ये है स्विस बीटी की 12 आवर स्टे मैट क्रेयॉन लिपस्टिक। द शेड इज एश रेड, इट इज ब्राउनिश रेड कलर एंड 3 ग्राम की क्वांटिटी है। ये मैं ऑलरेडी इसके 2-3 शेड्स में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो मैंने एक और ये बाय किया है और बहुत खूबसूरत शेड है। आप देखिएगा, मैं आपको स्वैच करके दिखा रही हूँ। और यार ये एक बार लग जाती है ना, कहीं नहीं जाती ये। इसको मतलब रिमूव करने के लिए ना आपको कॉटन पैड के साथ जो क्लिनजिंग मिल्क होता है उसको आपको बहुत सारा लगाना पड़ता है, तब जाके निकलती है ये शेड। देखो, इट इज़ यू नो इट इज़ फॉर एवरी वन, डस्की टोन, डीप डस्की टोन। गर्ल्स, आप इस शेड को खरीदो और लगाओ। अगर आपको नहीं पसंद आया ना तो कमेंट करके यार मुझे बोल देना जो बोलना है। आई अश्योर यू, आई वाउच ऑन दिस कलर, दिस इज अमेजिंगली गुड। बहुत अच्छा कलर है ये। दिवाली फंक्शन है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, एनीथिंग, अब अभी सीजन है वेडिंग्स का, उस पर भी ये बहुत सुंदर लगेगा कलर। और प्राइस बहुत अच्छा है, अराउंड 200 आपको ये मिल जाता है। बहुत फेदर जैसा टेक्स्चर है इसका, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है, क्वांटिटी भी ठीक है, आई थिंक इसकी 3 ग्राम की क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद ये है मेबलिन की, ये शेड है सायरन इन स्कारलेट 690, 3.9 ग्राम की क्वांटिटी है। ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बट इसकी ये प्रॉब्लम है ये स्मच प्रूफ नहीं है। जो पहली वाली थी मैंने आपको बताई एश रेड वाली, वो तो निकलती नहीं है, वो तो लग गई तो लग गई, कहीं नहीं जाएगी। पर ये थोड़ा सा स्मच प्रूफ नहीं है, ये थोड़ा ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसको ये है कि रीअप्लाई करना पड़ सकता है। पर कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कलर है, और ये थोड़ा क्रीमी लुक देता है हल्का सा ना, मतलब आपको ये ड्राई भी हो जाएगा। एश रेड में क्या है कि वो ड्राई होगी तो वो क्रीमी लुक नहीं देगी, वो मैट लुक देगी। ये थोड़ा सा क्रीमी लुक देता है और ये स्मच प्रूफ नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और प्राइस वही है, 200 के अराउंड है, पर कलर ये भी बहुत प्यारा है। ये थोड़ा सा रेड उसमें आता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश रेड है, ये थोड़ा सा रेड उसमें आता है। कलर ये भी बहुत प्यारा है, आप ट्राई कर सकते हैं। और वही बहुत आपके लो फेदर टेक्सचर है, तो आपको इजीली आप इनफैक्ट इसके और भी रेंज के मैंने रिव्यू की है, वो भी देख सकते हैं आप। ये है शुगर की, ये है शुगर कॉस्मेटिक्स मच मी नॉट मिनी लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है। ये 1.1 ml क्वांटिटी है इसकी, और ये ट्रांसफ़र प्रूफ और वाटर प्रूफ है। और सच में कंपनी तो कहती है 12 आवर्स तक रहेगी, मैं कहती हूँ ये 24 आवर्स भी नहीं जाएगी बाहर। ये फेविकॉल की तरह चिपक जाती है, ये कहीं नहीं जाती। एक बार ये ड्राई होगी ना, आपने जब लगाया लिक्विड लिपस्टिक है तो डेफिनेटली जब ये ड्राई हो जाएगी उसके बाद ये नहीं जाती। आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं ठीक भी है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम लिपस्टिक्स लगाते हैं ना, और हम फिर खाना खाते हैं कुछ भी, तो वो अंदर हमारे जा रहा है ना, एक तरह से हमारी ओपनिंग है, माउथ आईज एंड हमारे जो कान होते हैं वो ओपनिंग्स होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मेबलिन में ये है कि वो स्मच प्रूफ नहीं है, और आई थिंक वो निकलती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जा रही है। ये ऐसी नहीं है, ये लग गई ना तो लग गई, और ये कहीं नहीं जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्मच प्रूफ होती हैं वो लिपस्टिक थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है लिपस्टिक्स आर मेड ऑफ केमिकल्स ना यार, कोई ना कोई कॉम्पोजिशन फॉर्मूला तो है ही ना कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ कलर इज़ सो गुड, कलर देखो आप, और बहुत मैट फिनिश देगी। इसको एक बार ड्राई होने देना, उसके बाद ये मैट फिनिश देगी, ये और एश रेड दोनों। जो मेबलिन है वो थोड़ा सा क्रीमी देगी, बट है तो वो भी मैट, कहते तो वो भी मैट ही हैं। आई विश आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे ट्यून, थैंक यू।